मॉर्निंग साहब जी। राजा आजा आजा आजा। भैया आज तू ये आजाद सिंह की जेल से आजाद हो रहा है। अच्छा। ये ले, ये रही तेरे 16 महीने की कमाई। पैसे पैसे। भैया मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी, नाइस। आखिर तुम सच्चे निकले। कोर्ट को मानना ही पड़ा कि मंत्री जी की कार को तुमने बम से नहीं उड़ाया था। हाँ, कोर्ट ने मान लिया, मगर 16 महीने बाद, 16 महीने पहले मैं चीख चीख कर बोलता रहा कि मैंने बम नहीं लगाया, तब आप लोग मुझे घसीट घसीट के यहाँ लाना चाहते थे। मेरी जिंदगी के 16 महीने खराब कर दिए, कहाँ से लाऊं मैं 16 महीने अपने। भैया समझ में नहीं आ रहा है कि जब बम ब्लास्ट तुमने नहीं किया तो तुम पकड़े कैसे गए। साहब जी, जब आदमी का वक्त खराब होता है ना तो हाथ आई मुर्गी भी हाथ से निकल जाती है। वेरी सैड, लेकिन जो हो गया सो हो गया। देखो, जैसे हर बाप अपनी बेटी को विदा करने से पहले ये कहता है ना कि बेटी ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से दोबारा तुम्हें लौट कर आना पड़े, वैसे ही मैं अपने हर कैदी से यही कहता हूँ, ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हें यहाँ वापस लौट कर आना पड़े। गुड, वेरी गुड। अब यहाँ से तुम सीधे अपने घर वापस चले जाओ। सर मैं घर जाऊंगा लेकिन वाया दुबई। ओ ठीक। हाँ ओके, नमस्ते। अंगूठी? नहीं नहीं, घर भूल गया हूंगा। राजा। माँ, माँ, बेटा, माँ, माँ तू रो रही है? देख माँ, अगर तू रोएगी ना तो मैं भी रो दूंगा। तुझे इतने दिनों बाद देखा बेटी, इसलिए आंसू आ गए। नहीं माँ, माँ देख मैं तेरे लिए क्या लाया, ये पकड़। ये माँ, ये तेरे लिए शॉल, ये दुबई की साड़ी, और माँ तेरे लिए मैं चप्पल भी लाया हूँ, इतनी नरम चप्पल है, तू पहनेगी ना तेरे पाँव में एक कंकड़ नहीं चुभने वाला। ये ले, ये बड़ा आया माँ का ख्याल रखने वाला। वहाँ दुबई में मेरी याद आती थी क्या? दुबई? नहीं माँ, मैं तुझे हर पल हर घड़ी याद करता था माँ। राजा तू इतना गोरा कैसे हो गया? माँ क्या था, सब कुछ एयर कंडीशन था, कोठी भी एयर कंडीशन, गाड़ियाँ भी एयर कंडीशन, सब कुछ एयर कंडीशन, सूरज दिखता नहीं था ना माँ। फिर तो तुझे यहाँ जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। कैसी बातें कर रही है माँ, सारी उम्र मैं यहाँ रहा और 2 साल में वहाँ का हो जाऊंगा? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, विदेश जाकर तू जरा भी नहीं बदला। अरे बेटे तेरे हाथ इतने सख्त कैसे हो गए? हाँ गाड़ी थी ना मेरे पास, बड़ी महंगी गाड़ी थी, इसलिए मैं ड्राइवर को देता नहीं था चलाने के लिए, खुद ही चला लेता अच्छा। था चला चला के हाथ ऐसे सख्त हो गए। अब तेरा प्यार मिलेगा ना माँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। अब तू लंबा सफर करके आया है, थक गया होगा। अरे खाक थक गया माँ, 2 घंटे में यहाँ पहुँच गया हूँ। 2 घंटे में? और क्या, हवाई जहाज से जो आया हूँ। तू हवाई जहाज से? अब माँ, अब तू एक काम कर, अपनी सारी चीजें बैठ के देख, और तेरे लिए मैं परफ्यूम की बोतल भी ले आऊं, ओके? और मैं चला अपने दोस्तों से मिलने माँ। तेरी उम्र तो गंगा नदी से भी लगती है यार। कसम राजा तेरा, कब से अपुन बात कर रहे हैं यार राजा। अरे अपुन को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि राजा अपने आंखों के सामने। राजा ये तो बता, तू जेल तोड़ के आया दीवार फाड़ के? अरे ना भाई, जेल तोड़ के आया ना भाई, दीवार फाड़ के आया। मैंने कोई जुर्म ही नहीं किया भाई, मैं तो सीधे चल के आ रहा हूँ। अच्छा, तेरा बॉडी एकदम सॉलिड हो गया है। सॉलिड है राजा। यार अपने को भूख लगी है यार, खाने को भूख लगी है, भूख लगी है, खाने को मिलेगा, इसको भूख लगी है, भूख लगी है। यार बरसों से खाना नहीं खाया, ये देख पेट, देख मेरा पेट, देख देख। लेकिन राजा बरसों से भूखे हैं यार। हाँ ये राजा, आज पार्टी देना यार। हाँ यार पार्टी, पार्टी यार पार्टी। Yeah.
बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ यार। अबे बहुत दिनों बाद नहीं, जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है। खाबे राजा, ये सब खाने से मेरी तबीयत नहीं खराब होगी ना? अबे ये तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हा? इतना अच्छा खाना खाने से कभी किसी की तबीयत खराब होती है क्या? राजा टकार मार रहा है। सीमलेस, सीमलेस, सीमलेस। अरे जान दे यार, खान दे यार। और राजा अपना क्या है ना, अपने पेट को ऐसा आदत नहीं अच्छा अच्छा खाने को यार। फूड पॉइजन हो गया। अपने बलवंत की तो किस्मत ही चमक गई। हाँ यार, आज की तारीख में वो दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी है। मतलब ये कि कल तक 500 रुपए कमाने वाला मामूली क्लर्क था, आज 500 करोड़ का मालिक बन गया। हाँ यार भाई, लालवाणी साहब की दरियादिली का भी जवाब नहीं। उनकी इकलौती लड़की उनके ऑफिस के एक मामूली क्लर्क से इश्क लड़ा बैठी, बजाय उसे नौकरी से निकालने के उन्होंने उसे अपना दामाद बना लिया। काश हमारी भी किस्मत ऐसे ही चमकती। हाँ यार, तिन 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 तारा। खाली पीली टेंशन मत ले असल में। देख ब्लैक के धंधे ऊपर नीचे होते रहता है यार। इस हफ्ते बॉबी डॉल की पिक्चर लगने वाली है, अपन को अंदर से रिपोर्ट मिली एकदम सॉलिड पिक्चर है, टिकट खरीद डाल। अरे क्या खरीद डाल साला, जेब में 250 रुपए पड़ा है। पैसा होता ना 300 टिकट खरीदता और एक टिकट 300 में बेच डालता मैं। समझे यार। अरे ये अपना माइकल जैक्सन पंकज उदास कैसे बन गया? अरे ओए राजा, पलट तेरा ध्यान किधर है? ए राजा, हारे हुए लीडर की तरह मुंह लटका के बैठा हुआ है क्या? बता तो सही, बात क्या है? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ। मगर पता तो चले तू सोच क्या रहा है। कल शादी में मेरी आंख खुल गई और मुझे पता चला कि करोड़पति बनना कितना आसान है। करोड़पति बनना आसान है? ये शहर देख रहे हो, यहाँ हजारों करोड़पति लोग हैं। सिर्फ एक करोड़पति लड़की ढूंढनी है, उसे पटाना है, उससे शादी करनी है और राजा करोड़पति बन गया। सोचना आसान है राजा, पर होना मुश्किल। मुश्किल ही है ना, नामुमकिन तो नहीं। अरे मैं भटक गया था। मैं हमेशा यही सोचता था कि अकल और मेहनत से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ये गलत है। उस दूल्हे ने मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे नई राह दिखाई। मैंने डिसाइड कर लिया है, आज के बाद सारे काम छोड़कर सिर्फ करोड़पति लड़की ढूंढना है बस। जहां चाह है वहां राह है। सच्चे दिल से चाहो तो भगवान भी मिल जाता है। ये करोड़पति लड़की क्या चीज है? क्यों असलम, तुम लोग मेरे साथ हो ना? हाँ, क्यों नहीं यार। अब जिंदगी का एक ही मकसद, राजा होगा उसका पति जो होगी करोड़पति। बलवंत की तो किस्मत ही चमक गई। मतलब ये कि कल तक 500 रुपए कमाने वाला मामूली क्लर्क था, आज 500 करोड़ का मालिक बन गया। राजा। हाँ माँ। बेटा तू मुझसे वादा कर कि अब दोबारा दुबई नहीं जाएगा तू। माँ मैं तो खुद दुबई नहीं जाना चाहता। माना कि वहाँ सब कुछ है, खाने के लिए है, पीने के लिए है, लेकिन माँ आजादी नहीं है वहाँ। अच्छा, अब तो माँ सिर्फ तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूंगा। इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि अपनी माँ को सोने की थाली में खाना खिलाऊंगा। हे भगवान, इतना पैसा कमाने के लिए तो 20-25 साल लग जाएंगे। एक साल माँ, सिर्फ एक साल। ऐसा शॉर्टकट मारूंगा कि तेरा बेटा सीधा करोड़पति बन जाएगा। देख जल्दी पैसा कमाने के लिए तू कोई गलत काम मत करना। हाँ गलत काम? माँ तुझे ऐसा लगता है तेरा बेटा गलत काम करेगा? हाँ? नहीं बेटे, मगर माँ मैं कसम खा के बोलता हूँ मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। वैसे एक बिजनेस मेरे दिमाग में आया है, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। अगर मेरी माँ का आशीर्वाद मुझे मिल जाए तो बस काम ठीक हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा है तेरे साथ।
आंखें सिक गई यार, अब तो आ जा। ओह आ गई। राजा इसी बस के अंदर तेरे सपनों की रानी आएगी, देखना। देख देख कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां उतर रही है। वाह, जब भी सोचेगा छोटी सोचेगा, जब भी सोचेगा छोटी सोचेगा। बी कैटेगरी के सी क्लास लोग, छोटे लोग, न जाने इनकी औकात क्या होती है। नदी में पैदा होते हैं, नाले में मर जाते हैं। चीपनेस चीपनेस। इसको बोलते हैं लड़की। देख क्या लड़की उतरी है।